हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं एमएस डीजे ऑल डीजे एंड टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरिंगर के CX2310 क्रॉसओवर के बारे में। इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे, जैसे कि इसके प्राइस के बारे में, इसको आपको मार्केट में क्या प्राइस पड़ेगा, और इसको टेस्ट भी करेंगे, और इसका जो डिटेल्स जो स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा और इसका रिव्यू भी करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा कि मेरे चैनल को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा बेरिंगर का CX2310 क्रॉसओवर। ये एक बढ़िया क्रॉसओवर है, इसको आप लाइव और साउंड और डीजे दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है इसका फ्रंट साइड, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर एक्स प्रो हाई प्रिसिशन 2-3 वे क्रॉसओवर, और मॉडल नंबर है जिसका CX2310। ये इसका सब नब्स वगैरह है, आप देख सकते हैं ये टोटल नब्स वगैरह है, और इसका पावर बटन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आपका फ्रंट साइड है, इसके बारे में ये डिटेल्स बात करेंगे, ये इसको आप कैसे चलाएंगे और ये नब्स क्या क्या काम करता है। चलिए इसके बैक साइड देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह है इसका बैक साइड, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप पावर इनपुट देंगे और ऊपर एक फ्यूज लगा हुआ है, इसमें फ्यूज लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों, ये मोनो 3 वे में और स्टीरियो 2 वे में चलता है। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं XLR इनपुट आपको मिलेगा XLR का, और आउटपुट भी XLR से आप लेंगे, जो कि मेल फीमेल XLR इनपुट और आउटपुट दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, आपको देखिए मोनो 3 वे स्टीरियो 2 वे, इसके बारे में भी डिटेल्स बात करेंगे। तो चलिए पहले इसका फ्रंट साइड में चले जाते हैं और फ्रंट साइड के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पावर स्विच आपको मिल रहा है ऊपर सबसे पहले, और ये है इसका जो नॉब्स वगैरह। तो दोस्तों, ये जो आपका नॉब्स है यहाँ पर देखिए, ये जो 4 नॉब दिया गया है ये चैनल 1 के लिए है, और यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर 4 नॉब दिया गया है तो ये चैनल 2 के लिए है। सबसे पहले ये चैनल 1 के लिए काम करेगा और ये चैनल 2 के लिए। और यहाँ पर जो 2 नॉब है ये आपका एक एक्स्ट्रा सबवूफर लगा सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसके लिए ये काम करेगा। तो सबसे पहले चैनल 1 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये चैनल 1, तो यहाँ पर जो इतना आ जाएगा ये आपका चैनल 1 का आ जाएगा। और ये जो नॉब है ये सबसे पहले आपका इनपुट का यहाँ पर नॉब मिल रहा है, तो आप ये गेन के लिए काम करेगा। चैनल 1 के लिए आप जो गेन, यानी ये एक प्रकार का गेन है, जो इनपुट आप कितना गेन खोलना चाहते हैं तो इसको अपने हिसाब से खोल सकते हैं। अगर आप 0 पे रखते हैं, 0 dB पे, तो ये सबसे बेस्ट होता है, तो आप इसको 0 dB पे रखिए। फिर आपको यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक लो कट का स्विच मिल रहा है, अगर इसको अंदर की तरफ रखते हैं तो ये आपको लो कट का स्विच ऑन हो जाएगा। ये तभी काम करता है दोस्तों, जब अगर आप लाइव साउंड चला रहे हैं, सडनली अगर कोई माइक गिर जाता है तो उसका आवाज आ जाता है, तो इसको आप अगर इसको ऑन करके रखेंगे तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, आवाज होगा, वो साउंड जो नॉइज आएगा वो उसको कट कर देगा। तो इसको आप लाइव साउंड में ऑन कीजिए, डीजे में इसको कोई जरूरत नहीं है ऑन करने के लिए। नेक्स्ट जो है ये आपको मिल रहा है फ्रीक्वेंसी, एक्सओवर फ्रीक्वेंसी का जो नॉब है ये आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, यहां पर ये काम क्या करता है, ये दोस्तों यहां पर अगर आप इसको चला रहे हैं मोनो 3 वे में, अगर इसको चलाएंगे तो ये लो और मिड के लिए काम करेगा। किसके लिए, अगर मोनो 3 वे चला रहे हैं तो इसको लो और मिड के लिए, अगर आप इसको स्टीरियो 2 वे में अगर चला रहे हैं तो इस ये काम करेगा लो और हाई के लिए। तो इस फ्रीक्वेंसी को आपको सेट करना होगा। तो दोस्तों, इसको आपको फ्रीक्वेंसी सेट करना, देखिए यहां पर 120 लिखा हुआ है, तो इसको 120 से थोड़ा ऊपर आपको सेट कर देना है, सेट कर देना होगा अगर आप इसको स्टीरियो 2 वे में चला रहे हैं। और अगर मोनो वे में भी चला रहे हैं, मोनो 3 वे में भी चला रहे हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी चैनल 1 का इस फ्रीक्वेंसी को आपको 120 के ऊपर आपको सेट करना होगा, ताकि आपका जो लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी जो भी है आपको अच्छा बेस इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों, जो नेक्स्ट आपका जो नॉब है यहां पर देखिए, ये गेन का नॉब है, और ये आपको अगर इसको आप मोनो 3 वे में चला रहे हैं तो ये लो आउटपुट के लिए आपको गेन देगा, जो वॉल्यूम होगा ये देगा। अगर आप इसको स्टीरियो 2 वे में चला रहे हैं तो भी ये लो आउटपुट के लिए आपका गेन मिल जाएगा। और यहां पर अलग से इसको म्यूट करने के लिए स्विच दिया गया है, इसको ऑन हो जाएगा अगर म्यूट कर देगा, इसमें जो भी आउटपुट लेंगे आप। नेक्स्ट जो आपका
वॉल्यूम नॉब है, ये आपको गेन के लिए है सेम। अगर इसको स्टीरियो टू वे में चला रहे हैं तो आप इसको हाई आउटपुट के लिए यहां पर गेन बढ़ा सकते हैं या फिर कमा सकते हैं। इसको 0 dB में भी रखिए या फिर अपने हिसाब से वॉल्यूम आप इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसको मोनो थ्री वे में चला रहे हैं तो इस नॉब का कोई भी काम नहीं है, यानी इसका कोई भी काम नहीं करेगा यहाँ पर। और यहाँ के अलग सा एक म्यूट का स्विच दिया गया है, इसको आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हमारा चैनल टू पर। तो ये जो सेक्शन है ये हमारा चैनल टू का सेक्शन है, सेम है यहाँ पर भी सेम है, थोड़ा बस अलग है मोनो थ्री वे और स्टीरियो टू वे में। अगर स्टीरियो टू वे में चलाते हैं तो आपका जो चैनल वन का जो सेटिंग था सेम वही रहेगा चैनल टू में भी सेटिंग। अगर इसको मोनो थ्री वे में चलाते हैं तो जो इनपुट होगा ये इनपुट एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों गेन के लिए नॉब है। तो अगर स्टीरियो टू वे में चलाते हैं तो इनपुट को अपने हिसाब से रखिएगा और इसको तो आपको 120 से ऊपर एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी को इसको ही यहां पर ही आपको रखना होगा। और यहां से आप लो आउटपुट ले सकते हैं और हाई आउटपुट यहां से आप ले सकते हैं। आउटपुट के लिए गेन का नॉब दिया गया और यहां पर म्यूट के लिए अलग सा स्विच दिया गया, ये स्टीरियो टू वे में। अगर आप इसको मोनो थ्री वे में चलाते हैं तो देखिए यहां पर जो इनपुट का ये काम नहीं करेगा, चैनल वन का जो इनपुट था वही इनपुट से आपका चलेगा और ये इनपुट काम नहीं करेगा मोनो थ्री वे के लिए। जो एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी था यहां पर चैनल वन के लिए वो लो और मिड के लिए काम करेगा और यहां पर आपको काम करेगा जो एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी मिड और हाई के लिए। तो इसको भी आपको यही पर रखना होगा। और जो नेक्स्ट आपको यहां पर जो चैनल वन पे जो लो आउटपुट था ये काम करेगा मोनो थ्री वे के लिए और हाई आउटपुट काम नहीं कर रहा था, तो यहां पर जो दो नॉब हैं आपको गेन का आउटपुट के लिए, तो पहला जो आउटपुट है वो मिड के लिए काम करेगा और जो दूसरा नॉब है वो हाई के लिए काम करेगा आपका मोनो थ्री वे चलाने के लिए। तो दोस्तों ये जो फ्रंट साइड है ये आपको मैंने चैनल और चैनल टू का डिटेल्स आपको बता दिया। और यहां पर जो एक है सबवूफर के लिए आप आउटपुट ले सकते हैं, तो यहां पर आप ले सकते हैं। यहां पर ये जो एक सबवूफर का फ्रीक्वेंसी है इसको जो यहां पर देखिए 75 है, इससे थोड़ा ऊपर यहां पर एक लाइन है, इससे थोड़ा ऊपर आप इसको सेट कर दीजिएगा और ये जो गेन है इसको आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये सबवूफर आउटपुट के लिए आपको एक्स्ट्रा यहां पर मिल रहा है। तो दोस्तों अभी ये फ्रंट साइड का डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। चलिए अभी आप आउटपुट और इनपुट कैसे करेंगे इसमें इसके बैक साइड में जाके इसके डिटेल्स जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये क्रॉसओवर का बैक साइड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पावर सप्लाई के लिए है और ये आपका फ्यूज के लिए हो गया। यहां पर देखिए ये जो इनपुट और आउटपुट सेक्शन यहां पे आपको मिलेगा और यहां पर कुछ लिखा हुआ है इंडिकेट कर रहा है। यहां पर पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये चैनल वन का सेक्शन है, चैनल टू का सेक्शन ये है सेम उसी तरह फ्रंट साइड जैसे था और ये सब आउट के लिए यहां पर आपको आउट मिल जाएगा। और यहां पर देखिए एक स्विच दिया गया है, यहां पर मोड लिखा हुआ है और यहां पर देखिए मोनो थ्री वे और स्टीरियो टू वे, जो मैं आपको बोल रहा था ये स्टीरियो टू वे और मोनो थ्री वे में चलता है। तो अगर आप इस स्विच को अंदर की तरफ रखते हैं तो ये चलेगा आपको स्टीरियो टू वे मोड पे, अगर इसको बाहर की तरफ रखते हैं तो ये मोनो थ्री वे मोड पे चलेगा। तो जिस मोड पे भी आप चलाना चाहते हैं पहले इस मोड के लिए यहां सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप स्टीरियो टू वे में चलाते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर स्टीरियो टू वे लिखा हुआ है और नीचे हाई लो इनपुट जो भी यहां पर लिखा हुआ है। तो ये स्टीरियो टू वे में अगर चलाते हैं तो नीचे का जो इंडिकेट किया गया है यहां पर इसको आपको देखना है क्योंकि यही आपका काम करेगा। तो चलिए पहले स्टीरियो टू वे में कैसे इनपुट आउटपुट लेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टीरियो टू वे में अगर इसको आप चलाते हैं तो पहले इस स्विच को नीचे की तरफ रख दीजिए अंदर की तरफ। आपको फिर करना क्या होगा, यहां पर देखिए एक चैनल वन के लिए आपका जो मिक्सर से आउटपुट आया होगा यहां पर एक इनपुट देंगे और एक इनपुट यहां पर देंगे। तो ये दोनों इनपुट चैनल वन के लिए एक इनपुट देंगे, चैनल टू के लिए एक इनपुट देंगे। आपको अगर अभी आपको आउटपुट लेना है तो यहां से एक लो आउटपुट लेंगे, चैनल वन से एक लो आउटपुट और चैनल टू से एक लो आउटपुट लेंगे स्टीरियो मोड पे। तो ये दो आउटपुट जाएगा आपका मिक्सर पे, जो भी बेस चला रहे होंगे जहां पर बेस लगाए होंगे वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। फिर आप जो जहां पर टॉप चला रहे होंगे तो यहां से हाई से आप आउटपुट लेंगे। यहां पर देखिए एक हाई आउटपुट है और यहां पर एक हाई आउटपुट है, चैनल वन से एक हाई आउटपुट, चैनल टू से एक हाई आउटपुट लेके आप जहां पर टॉप चला रहे होंगे वहां पर आपको इनपुट देना होगा।
और यहाँ पर एक चीज है दोस्तों, एक्सओवर फ्रीक्वेंसी है, इसको आप हमेशा बाहर की तरफ रखिए। बाहर की तरफ रखते हैं तो 1x है, अंदर की तरफ रखते हैं तो इंटू 10x है। अगर इसको अंदर की तरफ रखते हैं तो ये आपका बेस को ज्यादा बढ़ा देता है, तो आप इसको बाहर की तरफ रखेंगे। दोस्तों ये था स्टीरियो टू वे का कनेक्शन। अभी हम बात करेंगे मोनो थ्री वे का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो मोनो थ्री वे ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर के सारे जितने भी इंडिकेट किए गए हैं तो उसको आपको देख के यहाँ पर इनपुट और आउटपुट करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो मोड का स्विच है इसको ऊपर की तरफ रख देना होगा, ये मोनो थ्री वे पे काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर इनपुट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक ही इनपुट देंगे आप इस क्रॉसओवर में, जो भी मिक्सर से आउटपुट आया होगा मोनो थ्री वे में आपको यहाँ पर एक ही इनपुट देना है। तो यहाँ पर एक इनपुट दे देंगे, फिर आप यहां से एक आउटपुट ले सकते हैं लो के लिए। यहां पर देखिए ये हाई जो है यहां पर नॉट यूज लिखा है, तो ये आपका मोनो थ्री वे में ये आपका काम नहीं करेगा। फिर आपका यहां पर चैनल टू का जो इनपुट सेक्शन था मोनो थ्री वे में एक इनपुट देना है आपको, तो यहां पे नॉट यूज लिखा हुआ है, तो ये भी आपका काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग मोनो थ्री वे पे एक ही इनपुट देते हैं। यहां पर देखिए मिड के लिए आउटपुट दिया गया है और एक हाई के लिए आउटपुट दिया है। तो ये मोनो थ्री वे पे ये आपका कनेक्शन डिटेल्स हो गया, और स्टीरियो टू वे का भी आपको तो समझ आया गया होगा। और सब आउट के लिए जो आपको मैंने फ्रंट साइड जो आपको बताया था, यहां पर आप आउटपुट ले सकते हैं यहां से सब आउट के लिए, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो यहां पर है। तो दोस्तों ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताया, ये आपको डिटेल्स, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कीजिए इसके बारे में, कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, और कुछ सजेशन है तो भी आप हमें कमेंट्स कीजिए। दोस्तों इसका जो प्राइस आपको मार्केट पे पड़ेगा 8 से 10 हजार के अंदर आपको ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया मतलब क्रॉसओवर है। आप इसको लाइव साउंड डीजे दोनों के लिए बहुत ही अच्छा ये माना जाता है, और मैं बहुत सालों से इसको यूज कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट्स है। आप इसको अपने डीजे में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको अभी हम लोग पावर देके इसको ऑन करके टेस्ट थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पावर सप्लाई देना होगा, तो यहाँ पर ये देखिए ये जो पावर केबल ये आपको कंपनी ही देता है, इसके साथ ही ये इंक्लूड आता है। तो इसको मैंने इससे थोड़ा डुप्लीकेट से बच के रहना, डुप्लीकेट वाला इसके पावर केबल यूज मत करना। ये मैंने इसको पावर सप्लाई यहाँ से दे दिया और अभी इसको हम पावर देंगे। तो दोस्तों देखिए अभी हमने इसको पावर सप्लाई दे दिया है, तो यहाँ पर ये पावर का स्विच है, तो इसको हम लोग ऑन कर देते हैं। देखिए ये मैंने ऑन कर दिया तो सारा एलईडी इंडिकेटर शो कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये जो लाइट्स एलईडी इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मोनो, तो आप यहाँ पर ये मोनो पे अगर ये लाइट इंडिकेट हो रहा है तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि ये दोस्तों मोनो मोड पे, पिछले वाला जो स्विच है ये मोनो मोड पे है। अगर इसको मैं पीछे से स्विच को चेंज कर रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा इसको पीछे से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर जो स्विच है यहाँ पर मैं चेंज किया, तो देखिए यहाँ जो स्विच है ये ऑफ हो गया, और यहाँ पर जो स्टीरियो का यहाँ पर एक देखिए स्टीरियो है और यहाँ पर स्टीरियो लिखा हुआ है, तो ये जो लाइट्स है ये इंडिकेट कर रहा है आपको, इंडिकेट कर रहा है, तो ये स्टीरियो मोड पे है। अगर इसको स्विच को चेंज कर देता हूँ तो मैं यह देखिए ये चेंज हो गया, स्टीरियो का आ गया मोनो पे आ गया, तो आप इससे जान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक क्लिप है जो कि ये ऑन नहीं है, ये क्लिप है, ये जो एलईडी है क्लिप है, अगर इसको आप इनपुट ज्यादा कर देते हैं तो ये क्लिप का आपको ऑन हो जाता है, क्लिप यानी जो लिमिटर होता है। और बाकी का लाइट्स इंडिकेटर अगर आप इसको स्टीरियो पे चला रहे हैं, जो भी आपका नॉब के ऊपर लाइट्स इंडिकेट कर रहा है तो वही नॉब आपका काम करेगा, जिस लाइट्स ऊपर इंडिकेट नहीं कर रहा तो वही नहीं करेगा। तो देखिए मैं अगर इसको मोनो पे चलाता हूं तो कुछ लाइट्स ये अपने आप ऑफ हो जाएंगी, तो चलिए मैं इसको मोनो पे चलाता हूं। देखिए यहां पर जो हाई आउटपुट का ऊपर लाइट्स इंडिकेट कर रहा था स्टीरियो पे, अभी ये नहीं कर रहा, यानी ये काम नहीं करेगा। ये इनपुट का जो इंडिकेट कर रहा था ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये मोनो मोड पे है, और जो इंडिकेट्स कर रहा है वो आपके सामने है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नया है ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।